Solution of HCMAMA, Chapter Number 3, Rest and Motion, Kinematics, Question Number 15. Question Number 15 कहता है, A train starts from rest, यानी विराम से कोई ट्रेन स्टार्ट होता है, शुरू होता है चलना, and moves with a constant acceleration of 2 meter per second, और अपने constant acceleration, नियत त्वरण 2 meter प्रति second square से गतिमान होता है. फॉर हाफ ए मिनट यानी आधे मिनट तक. देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि टी इक्वल टू हाफ मिनट यानी 30 सेकेंड तक वह ट्रेन का एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है. कितना से? तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. फिर कहता है द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड, और पुनः ट्रेन क्या करता है, ब्रेक को अप्लाई कर देता है, ब्रेक लगा देता है. एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट, और 1 मिनट में वह ट्रेन विराम में चला आता है. ठीक, तो कहता है कि फाइंड ए यानी ए नंबर ऑप्शन कहता है कि द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, तो ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस कितना मूव्ड करा, इसका वैल्यू निकालना है. डी नंबर कहता है मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द ट्रेन, यानी उस कांस्टेंट एक्सीलरेशन के दौरान उस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड कितनी थी. सी नंबर कहता है कि पोजिशन एस ऑफ द ट्रेन एट द हाफ द मैक्सिमम स्पीड. तो चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग गिवन डाटा की चर्चा कर लेते हैं. तो अगर हम लोग गिवन डाटा की चर्चा करें तो ट्रेन सबसे पहले रेस्ट में ही था, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0. एक्सीलरेशन कांस्टेंट वैल्यू जो था वो कितना, तो वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो क्वेश्चन में ही यहां पर गिवन है. तो सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी भी इक्वल टू व्हाट, टाइम कितना लिया था पहले में, तो हाफ ए मिनट, तो टी इक्वल टू हाफ मिनट लिया ना, तो हाफ मिनट इक्वल टू कितना, हाफ मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, तो हाफ मिनट में तो 30 सेकेंड होते हैं, तो सेकेंड की बात करें टाइम का, तो टाइम वहां पर 30 सेकेंड लिया है. ठीक, तो सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं. तो इक्वेशन लगाइए, बाय इक्वेशन वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, इतना तो आपको डिफाइन हो ही गया होगा. तो भी की वैल्यू तो निकालनी ही है, यू का वैल्यू कितना है, तो 0 है. एक्सीलरेशन कितना, तो 2, और टाइम कितना, तो टाइम की वैल्यू है 30 सेकेंड, यानी उसकी वेलोसिटी जो उस समय थी फाइनल वेलोसिटी वो कितनी रही, तो देखिए 30 × 2, और वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड. तो ऑप्शन नंबर ए जो आप कहता है फाइंड आउट करने के लिए कि टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, यानी उसने टोटल डिस्टेंस कितना मूव्ड किया है, तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाइएगा, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगा दीजिए. यू की वैल्यू कितनी, देखिए यू की वैल्यू यहाँ पर है 0, टाइम का वैल्यू यहाँ पर रखिए टी, तो प्लस 1/2 इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना 2, और टाइम कितना, तो टाइम 30 सेकेंड, तो टी स्क्वायर यहाँ पर देखिए 1/2 ए टी स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर कीजिएगा तो 30 का स्क्वायर. तो बच्चों 0 इंटू टी कितना, तो 0 प्लस 1/2 इंटू क्या है 2, और 30 का स्क्वायर कितना होता है, तो 900, ये 2 से 2 तो कट जाएगा, तो एस की वैल्यू कितनी आई, तो एस की वैल्यू आ गई इधर से 900, और ये डिस्टेंस कवर्ड है, तो डिस्टेंस कवर्ड का ऐसा यूनिट मीटर. ये क्वेश्चन के पार्ट 1 का आंसर रहा. चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके पार्ट बी पर. तो सबसे पहले अब इसमें कहता क्या है इसके बाद कि व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो फिर ट्रेन क्या करता है, ब्रेक भी तो अप्लाइड करता है. तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, यानी जब वह ट्रेन क्या करता है, ब्रेक अप्लाइड करता है, ब्रेक लगाता है, तो कहता है कि देन, तब उस कंडीशन में उसकी जो फाइनल थी ना, देखो मान लो कि ये कोई रेलवे ट्रैक है, ठीक, और इस तरह से कोई रेलगाड़ी चल दी, तो पहले रेस्ट में थी, तो रेस्ट में इनिशियल 0, ठीक है, अब ये चल दी, और मान लो कि जब ये चलने लगी तो इसका फाइनल वेलोसिटी कितना है, 60 मीटर पर सेकेंड, और जब यहाँ पर आने के बाद जब 60 पे ये आ गया और तब ब्रेक मारता है, तो
ब्रेक मारने के कंडीशन में जो इसका फाइनल था अब वो इनिशियल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इनिशियल बन जाएगा। तो यानी इसका मतलब यू जो मिलेगा वो मिल जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी मिलेगी वो मिलेगी 0, और टाइम जो होगा वो टाइम मिल जाएगा 60 सेकेंड। ठीक, तो इसका मतलब डीएसिलरेशन निकालना है कि कितना से डीएसिलरेट हुआ है। तो चलिए अब इसका डीएसिलरेशन भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो अगर इसके डीएसिलरेशन की हम लोग बात करें तो डीएसिलरेशन कितना से हुआ, डीसिलरेशन कितना से हुआ, यानी एसिलरेशन का जो ऑपोजिट होता है उसे हम लोग डीएसिलरेशन कहते हैं। तो इक्वेशन लगाते हैं, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं वी माइनस यू इक्वल टू ए टी, या फिर तो एसिलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी माइनस यू अपॉन टी। तो इस तरह से एसिलरेशन इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी, ब्रेक मारने के बाद क्या होगा, गाड़ी तो रुकेंगे ही, तो 0, और इनिशियल कितना बन गया इसके लिए 60, अपॉन टाइम कितना, तो 60, यानी कितना मिल रहा है आपको, तो -60/60, इसे कट कीजिएगा तो एसिलरेशन इक्वल टू कितना आ गया, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही जो माइनस साइन है यही माइनस इंडिकेट करता है डीएसिलरेशन को, ये किसको इंडिकेट करता है, डीएसिलरेशन को। यानी अगर पॉजिटिव में आता, एसिलरेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आती तो वो एसिलरेशन ही रहता, लेकिन नेगेटिव में आ गया इसीलिए हम वहां पर डीएसिलरेशन का वैल्यू लेंगे। अब इसके बाद हम लोगों को कहता है निकालने के लिए कि नाउ टू फाइंड द डिस्टेंस। अब हम लोगों को क्या निकालना है, इसके अंतर्गत डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए अब डिस्टेंस निकालते हैं। तो नाउ टू फाइंड, अभी तक हम लोग डीएसिलरेशन निकाल रहे हैं, नाउ टू फाइंड द डिस्टेंस, अब हम लोग इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं इसके दौरान का। तो अगर इसका डिस्टेंस निकालिएगा तो बाई इक्वेशन क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो s इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, तो s इक्वल टू मिल जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो हम पुट करेंगे तो s इक्वल टू आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी कितनी, तो 0 का स्क्वायर यानी वी स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना, तो u की वेलोसिटी, u की वैल्यू कितनी थी 60, तो 60 का स्क्वायर, 2 into a, एसिलेशन अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला है -1, तो ये कितना आ जाएगा, पूरा कैलकुलेट जब करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1800 मीटर। ये हम लोगों के डिस्टेंस का ये पार्ट रहा। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना मूव किया है, अगर टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इसका टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो टोटल डिस्टेंस यानी डिस्टेंस कवर्ड उस ट्रेन के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना तय हुआ। तो पहले एक बार हम लोग S1 निकाले थे और अभी जस्ट एक और डिस्टेंस निकाले हैं, यानी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1800 मीटर अभी निकाले हैं। इससे पहले एक डिस्टेंस निकला था 900 मीटर, यानी ब्रेक लगने से पहले उसने 900 मीटर तय किया था, और ब्रेक लगने के बाद 1800 मीटर, यानी इसको हम पूरा जोड़ दें तो ये आ जाएगा 2700 मीटर, और इसको हम अगर किलोमीटर में चेंज करें तो आ जाएगा 2.7 किलोमीटर। तो इस तरह से टोटल डिस्टेंस निकल गया। अब क्वेश्चन के पार्ट बी को देखते हैं। तो इस दौरान कहता है कि अगर ये डिस्टेंस तय कर रहा था तो उस डिस्टेंस तय करने के दौरान इसने मैक्सिमम स्पीड कितना तय किया। तो आपने जितना वैल्यू अभी तक फाइंड आउट किया है उसमें आपने देखा है कि मैक्सिमम स्पीड जो अटेंड हुआ है उसकी वैल्यू 60 रह गई है। तो मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द ट्रेन, यानी ट्रेन के द्वारा मैक्सिमम स्पीड कितनी अटेंड हुई, तो भी इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड अटेंड हुआ है। अब सी नंबर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सी नंबर ऑप्शन कहता है, अब क्वेश्चन का पार्ट सी देख लेते हैं। तो उसमें कहता है कि हाफ द मैक्सिमम स्पीड, हाफ द
मैक्सिमम स्पीड निकालना है हम लोगों को। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्पीड का हाफ निकालिएगा तो 60/2 कर दीजिए, क्योंकि फाइनल स्पीड तो 60 आया था मैक्सिमम, तो हाफ द मैक्सिमम, मैक्सिमम का हाफ कीजिएगा तो 60/2 कितना आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। अब इसके दौरान, इस हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड के दौरान अब आपको ट्रेन का डिस्टेंस निकालना है। तो अब यहाँ पुनः फिर से एक बार एक और डिस्टेंस निकालना है। अगर डिस्टेंस निकालिएगा तो डिस्टेंस एस इज इक्वल टू वाट, तो अब फिर से इक्वेशन लगाइए डिस्टेंस का, तो बाई इक्वेशन वी का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से इसकी s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम इसको चाहें तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो s इज इक्वल टू, हम ये भी लिख सकते हैं वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर अपॉन 2a। अब इसमें वैल्यू रखिए वी कितना, अभी जस्ट देखिए वी यहाँ पर आया हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम इससे पहले पूरा पूरे ट्रेन के होल जर्नी के दौरान उसका जो मैक्सिमम स्पीड था वो 60 था, तो हाफ कर रहा है तो 60/2 किया मैंने, 30 हुआ। तो अब वी का स्क्वायर करना है तो 30 बन रहा है, 30 का स्क्वायर माइनस इनिशियल अब बन गया 60, तो 60 का स्क्वायर बाई 2, और एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी तो -1। पूरे वैल्यू को कैलकुलेट कीजिएगा तो एस की जो वैल्यू आएंगी वो आ जाएंगी 1350 मीटर। इसके बाद अगर हम लोग अगर बात करें तो इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो उसकी जो वैल्यू, अब हम लोगों को नया पोजीशन फाइंड आउट करना है नाउ, तो इसका पोजीशन जो आ जाएगा वो पोजीशन कितना आएगा, तो पोजीशन इक्वल टू 900 मीटर प्लस 1350, यानी इज इक्वल टू 2250 किलोमीटर। यानी इसकी जो पूर्ण वैल्यू आएंगी वो 2.25 किलोमीटर आ जाएंगी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी ट्रेन के स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी इसकी टोटल वैल्यू जो आ जाएंगी वो वैल्यू आ जाएंगी 2.25 किलोमीटर। ये हम लोगों का आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 15 का, दिस इज आवर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 15।